दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। तो बात करेंगे रेवाड़ी शहर की, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेवाड़ी में कल 112 नए केस सामने निकल कर आए, जो कि बहुत बुरी खबर है रेवाड़ी के लिए दीपावली से पहले, क्योंकि रोजाना जो केस आ रहे थे वो 100 से लगभग कम आ रहे थे, लेकिन एकदम 112 नए केस सामने निकल कर आए, जिनमें से रेवाड़ी शहर में 67, डाबड़ी में 9, भाड़ावास में 7, कोसली परखोत्तमपुर में 3-3, बालकी भाड़ावास बुरतला में 2-2, गामड़ी गुरावड़ा में भी 2-2 केस सामने निकल कर आए हैं। इसी के साथ खरखड़ा छवा खरसानकी में 1-1 केस, खोरी रोलियावास धमालका में 1-1 केस, लूलाही नंगली गोदा निमोट में 1-1 केस, पालावास फिदेड़ी बिसोवा में 1-1 केस, खेड़ी में भी 1 केस सामने निकल कर आए। इसी के साथ रेवाड़ी में कल 25 ठीक होकर अपने घर वापस गए। रेवाड़ी में टोटल केस हो चुके हैं 8658, जिनमें से रिकवर हो चुके 7861, 41 लोगों की मृत्यु हो चुकी है रेवाड़ी के अंदर और 756 लोगों का इलाज चल रहा है अभी। इसके बाद दीपावली से पहले बाज़ार में रौनक, देखिए दीपावली से पहले बाज़ार में इतनी रौनक नहीं थी कुछ दिन पहले की बात करूँ, लेकिन अब जैसे ही दीपावली के अंदर 2-3 दिन बचे तो काफ़ी बाज़ार में रौनक है और जितने भी व्यापारी काफ़ी खुश है। इसके बाद दूसरे दिन भी स्मोक की चादर, देखिए पोल्यूशन है जो रेवाड़ी के साथ दारवेड़ा बावल हर जगह बढ़ता ही जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि रेवाड़ी के अंदर कल जो पोल्यूशन की जो स्मोक की चादर थी वो बहुत ज़्यादा थी और कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी और कई लोगों की आंखों में जलन हो रही थी। इसके बाद आईजीओ के वीसी का पुतला फूका, देखिए बच्चों छात्रों ने अपनी मांग के लिए आईजीओ के वीसी का पुतला फूका। उन्होंने ये भी कहा कि जो वीसी है वो हर कोर्स की सीटों को कम करने लग रहे हैं और अगर हम उनसे मतलब कुछ भी क्वेश्चन भी पूछते हैं या तो वो बिल्कुल सही जवाब नहीं देते, तो इसके लिए उन्होंने आईजीओ के वीसी का पुतला फूका है। इसके बाद बड़ौदा में कांग्रेस जीती, आप सभी को तो इंदुराज बड़ौदा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थी वो जीत गए और योगेश्वर दत्त थे जो बीजेपी के वो हार गए। इसके बाद अगली खबर है कि जल जीवन मिशन को जल्द पूरा करेंगे। देखिए एसडीएम कुशल कटारिया ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार 2022 तक हर घर के अंदर नल मतलब जल पहुँचाने की कोशिश करेगी, लक्ष्य तय किया और इसको जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। और आखिरी खबर है कि बावल में मिले पटाखे, देखिए बावल के अंदर सीएम फ्लाइंग का छापा और जो बावल में पूर्व पार्षद थे उसके घर पटाखों का जखीरा मिला है, मतलब बहुत अमाउंट में पटाखे मिले हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनके खिलाफ अब केस दर्ज कर दिया है। तो रेवाड़ी की आज की खबर यहीं तक, रेवाड़ी की रोजाना खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।